दोस्तों बिजनेस आइडियाज एपिसोड नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करूंगा आशुतोष गिरी के बारे में, जिन्होंने अपनी एमएनसी की लाखों रुपए की जॉब छोड़ दी शौचालय का स्टार्टअप शुरू करने के लिए। क्या आप लाखों रुपए की सैलरी छोड़ सकते हो एक शौचालय बिजनेस बनाने के लिए? सुनिए यह मजेदार स्टोरी, बहुत ही आपको इंस्पायरिंग कर देगी इस स्टोरी को सुनने के बाद। आशुतोष गिरी एमएनसी में जॉब करते थे, ऑलरेडी लैक्स ऑफ रुपीस की जॉब थी उनके पास, लेकिन जब कभी भी ट्रैवल करते थे उन्हें प्रॉब्लम फेस होती थी। अच्छा टॉयलेट नहीं मिलता था उन्हें, यहाँ पे यदि टॉयलेट जाना है तो बाय चांस उन्हें मजबूरी में किसी रेस्टोरेंट में जाके कुछ परचेस करना होता था, और बाद में वह यहाँ पे उसी रेस्टोरेंट का टॉयलेट यूज करते थे। इंडियन कस्टमर का वे यहाँ पे बिहेवियर समझ गए थे कि हम यू ही, यहाँ पे रूल है कि आप 5 स्टार में भी बिना कुछ परचेस किए आप कहीं पर भी टॉयलेट यूज कर सकते हो, लेकिन हमारा इंडियन कस्टमर यहाँ पे प्रोडक्ट परचेस करके ही बाई चांस टॉयलेट यूज करता है। आप कभी भी लंबी ट्रिप हाईवे ट्रिप लगाते होगे तो आपको पता होगा ये प्रॉब्लम थी। आशुतोष गिरी ने प्रॉब्लम देखी कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट पहले नंबर पे उन्होंने सोल्व करने के लिए अपनी एमएनसी जॉब छोड़ी और शुरू किया फ्रेश रूम्स। अब आप सोचोगे इसमें बिजनेस कैसे बनाना है? दोस्तों फ्रेश रूम एक पूरा डिजिटल टॉयलेट का यहाँ पे एक वर्क स्पेस कह सकते हैं। जैसे यदि हमें काम करना है तो ऑफिस, यदि आपको टॉयलेट जाना है तो आप फ्रेश रूम में जाओगे। फ्रेश रूम है क्या दोस्तों? फ्रेश रूम एक पूरा डिजिटल टॉयलेट चेन है। कहीं पर भी इंडिया में फ्रेश रूम एक्सेस करना यहाँ पे आशुतोष गिरी का सपना था। अभी एक बात मजेदार और सुनिए दोस्तों, इंडियन जो कस्टमर है, इंडियन कंज्यूमर है, ये भी नहीं चाहता कि हम टॉयलेट जाने के बदले पे करें, यानी कि टॉयलेट यूज करने के बदले में मैं भी कभी पैसा नहीं पे करता। ऐसे इंडियन कस्टमर ये कि हम पैसा पे नहीं करते, उन्होंने एक नया बिजनेस मॉडल लाया। यहाँ पे जब आप एक पैसा पे करोगे तो आपको चाय मिलेगी, और चाय पीने के बाद, यानी कि चाय ये उस हिसाब से उन्होंने बाय प्रोडक्ट बिजनेस कैसे बिल्ड किया वो देखिए दोस्तों। जैसे कि आप 10 रुपए की फ्रेश रूम में जाओगे, आप चाय पियोगे और आप बाय प्रोडक्ट उनका टॉयलेट यूज कर सकते हो। हाइजेनिक टॉयलेट, अल्ट्रा हाइजेनिक टॉयलेट, यूवी लेसर से दोस्तों, यानी कि नेक्स्ट लेवल। यहाँ पे जो यूके की जो सिस्टम थी, पूरी सिस्टम आशुतोष गिरी लेके आए। अब आप सोचोगे कि ये टॉयलेट बिजनेस बड़ा कैसे हो सकता है? स्वच्छ भारत इंडिया, यहाँ पे स्वच्छ भारत नरेंद्र मोदी जी द्वारा चला जाए, वहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन मिला फ्रेश रूम को। फ्रेश रूम दोस्तों बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। अब कितने सारे यहाँ पे बाय प्रोडक्ट बिजनेस बना रहे हैं, पूरी चेन बना रहे हैं पूरे इंडिया में। फ्रेश रूम यदि किसी फॉरेनर को कहीं पर भी टॉयलेट की नीड है, या फिर इंडियन को भी टॉयलेट की नीड है, तो फ्रेश रूम में ही जाएगा, क्योंकि पैसा देगा उनके बदले में कुछ खाने को मिलेगा, चाय मिलेगी, नाश्ता मिलेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट उनका जो है हाइजेनिक टॉयलेट, वह प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं। आशुतोष गिरी का टारगेट है कि आने वाले टाइम में 5000 एक साल में यहाँ पे नए नए अपने लोकेशन सेटअप लगाने हैं। ये बिजनेस कितना बड़ा आ सकता है दोस्तों, आपको एक अंदाजा है? ये दोस्तों एक स्टारबक्स को टक्कर दे सकता है। स्टार्टिंग में लगा कि टॉयलेट का बिजनेस शायद हम नहीं कर सकते, लेकिन वे यहाँ पे दोस्तों पूरी इंडिया में चेन बना रहे हैं, और कहीं हद तक वे सफल भी हो चुके हैं क्योंकि गवर्नमेंट भी उन्हें सपोर्ट कर रही है स्वच्छ भारत के नाम पे। यहाँ से एक लर्निंग मिलती है दोस्तों, आज मिलियनर है वे एक टॉयलेट का बिजनेस करके मिलियनर है। ये लर्निंग है कि आप जब कोई तगड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है, यदि ये करेज उठा लिया कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, किसी भी हाल में सोल्व करना है, पैसा तो कहीं ना कहीं से बनना ही बनना है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आशुतोष गिरी की स्टोरी बड़ी इंस्पायरिंग थी, मुझे भी इंस्पायरिंग लगी, इसलिए आपके साथ शेयर कर दी। फ्रेश रूम में और आगे बढ़ गए फ्यूचर में। एपिसोड नंबर 2 कल आने वाला है। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ऑन कर देना दोस्तों, लाइक कीजिए। मुझे पता है आप हमारे पुराने व्यूअर्स सब्सक्राइबर तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंस्पायरिंग लगी है स्टोरी, स्टार्टअप बिजनेस कुछ भी बना सकते हैं, पैसा तो कुछ भी बना सकते हैं, बस प्रॉब्लम सॉल्व करना है।